हर ईयर में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं बजा रहा हूँ लेकिन सुन ही नहीं रहा, तो करेक्ट कहाँ से होगा, होगा ही नहीं। तो रियाज में जब पहले तो हमने पहले कल क्या कहा था कि ध्यान देने का रियाज है, उससे बड़ा रियाज है सुनने का। जो मैं बजा रहा हूँ अगर मैं सुनू ही नहीं तो मुझे को मालूम ही नहीं कि मैं सुन रही हूँ। तो एक आर्गुमेंट इसके ऊपर है, मेरे को तो सही समझता नहीं है, ऐसे नहीं है, सही तो समझता है लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ, इसके लिए आप सुनो तो आपको जैसे इन्होंने कहा मैं बेसुरा हो जाऊंगा तो इनको समझ में आता है, मैं बेसुरा हो जाऊंगा तो आपको समझ में आता है ना, तो खुद बेसुरा हो गया तो क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खुद को सुनते ही नहीं है। What applies to me has to apply to you also. अगर आप बोलते हो कि मैं बेसुरा हो गया, अभी देखो नहीं लग रहा ना अच्छा, तो जब मैं बजाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, तो खुद वही बजा रहे हो तो अच्छा कैसे लगेगा, और क्यों लगता है? यार सुन रहे हो, वही तो यार सुन रहे हो, बस फुल फोकस जो है ना इधर है, तो इंस्ट्रूमेंट पे फोकस वही है कल वाली बात, लाइन पे फोकस करो ना इंस्ट्रूमेंट, साइकिल पे फोकस क्यों कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट पे फोकस कर रहे हो तुम, आउटकम पे फोकस करो, और आउटकम पे फोकस करोगे तो सुनोगे तो अपने आप करेक्शन। मैं आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इन द टेल दिस टू पीपल, सुर में रहना इज नेचुरल इंस्टिंक्ट। आदमी बेसुरा होता है वो उसके एबिलिटी के लिए नहीं है, एबिलिटी के अगेंस्ट जाके बेसुरा, हाँ क्योंकि वो सोचता है तो बेसुरा, नहीं सोचेगा तो बेसुरा नहीं। जो बच्चा कल अपने आप शुरू हो गया सुबह में, आप नहीं थे सुबह, कितना उसको कोई सिखाया कुछ नहीं है, वो गाने लगा तो उसको कोई इंडिकेशन नहीं है, उनको तो आधा डर, वो मैं सामने वाले को देखते रहता हूँ कि अरे उसको कैसे लगा, उसको कैसे लगा। सो ये प्रॉब्लम ये है, सो आप भी करो तो